नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल मस्ती में, जहां हम करते हैं सेटों की अनबॉक्सिंग। तो आज की इस वीडियो में करेंगे हम दो सेटों की अनबॉक्सिंग एक साथ। पहला सेट हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी J4 है, वहीं दूसरा स्मार्टफोन हमारे पास आईटेल S42 है। दोनों की अनबॉक्सिंग करेंगे एक साथ, नजर डालेंगे इनके बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन और कैमरा पर। तो पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी J4 की। तो यह आपको 2GB रैम 16GB रोम के साथ मिलेगा, जिसमें आपको फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल आपको रियर कैमरा मिलेगा, जिसमें आपको दोनों कैमरे में फ्लैश लाइट देखने को मिलेगी 3000mAh की बैटरी के साथ। वहीं दूसरा फोन है आईटेल S42। तो यह आपको 3GB रैम 16GB रोम के साथ मिलेगा, जिसमें आपको 13 मेगापिक्सल के फ्रंट और रियर कैमरे विद फ्लैश मिलेंगे 3000mAh की, इसमें भी आपको बैटरी मिलेगी। तो चलिए दोनों सेटों को करते हैं जल्दी से अनबॉक्स। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, ताकि आपके लिए ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँ। और बगल में बेल आइकन होगी, उसे भी दबा दें, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोनों ही सेट कुछ इस तरह की पैकिंग के साथ आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम सैमसंग गैलेक्सी J4 16GB यहाँ पर लिखा गया है। अब नज़र डालते हैं इसके स्पेसिफिकेशन पे। तो यहाँ पर 5.5 इंच की HD SMOLED की डिस्प्ले आपको इसमें मिलती है, और 13 मेगापिक्सल रियर, 5 मेगापिक्सल फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट LED फ्लैश लाइट लिखा हुआ है, 3000mAh की बैटरी। अब नज़र डालते हैं आईटेल के S42 पर। तो यह भी कुछ इस तरह की पैकिंग के साथ आता है। फुल व्यू डिस्प्ले मोबाइल है, इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी है फुल स्क्रीन सेल्फी फोन, 3GB रैम और सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल। स्पेसिफिकेशन देखें तो यहाँ पर आपको 5.65 इंच की HD+ फुल स्क्रीन डिस्प्ले 2.5D कर्व ग्लास के साथ मिलेगी, ऑन एंड्रॉयड 8.0 ओरियो आपको इसमें मिलेगा, 3GB रैम 16GB रोम, और इसकी एक्सपेंडेबल मेमोरी को आप 128GB तक बढ़ा सकते हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 425 का प्रोसेसर आपको इसमें मिल रहा है, और यहाँ पे लिखा है ड्यूल फ्रंट सॉफ्ट लाइट, मतलब दोनों जगह फ्लैश लाइट आपको मिलेगी, 13 मेगापिक्सल के दोनों कैमरा आपको इसमें मिलेंगे, 4G है और 3000mAh की बैटरी है, और इसमें OTG सपोर्ट दोनों में आपको मिलेगा। अब दोनों को करते हैं जल्दी से अनबॉक्स और नज़र डालते हैं इनके डिज़ाइन पर। दोनों सेटों के बॉक्स को कर दिया है हमने ओपन, तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। पहले नज़र डालते हैं सैमसंग गैलेक्सी J4 पे। तो यह सबसे ऊपर हमें मोबाइल देखने को मिलेगा, मोबाइल को रखते हैं हम साइड में। बॉक्स में कंटेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी कार्ड मिलेगा, साथ ही साथ 3000mAh की कुछ इस तरह की बैटरी आपको इसमें मिलेगी। बाकी इसमें आपको एक हैंड्स फ्री और USB केबल दोनों कुछ इस तरह के हैं, और एक 5V 2A का चार्जर आपको इसमें मिलेगा। वहीं आप सेट पर नज़र डालते हैं तो सेट का डिज़ाइन है कुछ इस तरह का। इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा, बाकी आपको इसमें फ्रंट में सेल्फी लाइट मिलेगी। बैक साइड देखें तो कुछ इस तरह का लुक इस सेट का है, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, फ्लैश लाइट है, और बगल में स्पीकर दिया गया है। राइट साइड में हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर पावर ऑन की देखने को मिलती है। टॉप साइड में हमें कुछ नहीं देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड में हमें वॉल्यूम रॉकर कुछ इस तरह के मिलेंगे। बॉटम साइड में देखें तो यहाँ पर हमें चार्जिंग जैक, हेडफोन जैक और माइक तीनों देखने को मिलते हैं। तो सेट का डिज़ाइन है कुछ इस तरह का। तो इसका केस खोलते हैं हम, और इसमें बैटरी को करते हैं इंसर्ट, और इसकी पावर को करते हैं ऑन। जब तक इसकी पावर होती है ऑन, तब तक हम आईटेल S42 पे नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की पैकिंग के साथ आईटेल का S42 मोबाइल आता है। तो यहाँ पर हम मोबाइल को एक मिनट के लिए रख लेते हैं साइड और नज़र डालते हैं बॉक्स कंटेंट में। तो काफ़ी अच्छी पैकिंग है, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर ट्रे दी गई है जिसमें मोबाइल रखा गया था, अंदर दो बॉक्स और देखने को मिलते हैं। दोनों बॉक्स को करते हैं ओपन। तो यहाँ पर हमें हैंड्स फ्री, रेड कलर की हैंड्स फ्री, जो कुछ इस तरह की हैंड्स फ्री है इसमें, और एक USB केबल देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको इसमें एक चार्जर जो कि अंदर फंसा हुआ है, उसको हम दूसरे साइड से निकालते हैं। तो ये रहा चार्जर, 5V का 2A का नॉर्मल चार्जर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बाकी आप इस बॉक्स में देखें तो हमें एक केस मिलता है, कवर है जो कि हार्ड और सॉफ्ट
दोनों टाइप का है। यहाँ देख सकते हैं हम सेंटर में बिल्कुल हार्ड है और इसके बॉर्डर बिल्कुल फ्लेक्सिबल दिए गए हैं। अब हम सेट पे नज़र डालते हैं तो सेट काफ़ी अच्छा साइज सेट का यहाँ पर देख सकते हैं हम। राइट साइड में हमें पावर ऑन की वॉल्यूम रॉकर साथ में देखने को मिलते हैं और ऊपर की साइड देखें तो हमें हेडफोन जैक देखने को मिलता है। बॉटम साइड में नज़र डालें तो यहाँ पर स्पीकर्स, चार्जिंग जैक और माइक तीनों एक साथ देखने को मिलते हैं। इस साइड हमें सिर्फ सिम ट्रे देखने को मिलेगी। बैक साइड देखें तो हमें यहाँ पर अच्छा लुक देखने को मिलता है और यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है और यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट और फ्रंट में भी आप देख सकते हैं 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और फ्लैश लाइट। साथ ही साथ आपको बता दूं तो इसमें नया अपग्रेड आया है जिसमें आपको अपग्रेड करने के बाद इसमें फेस अनलॉक की सुविधा मिलेगी जो कि बॉक्स पे भी लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं हम एयरटेल S42 में फेस अनलॉक अपग्रेडेबल, तो आप इसमें फेस अनलॉक का फीचर्स भी लोड कर सकते हैं अगर आपकी सेट में नहीं आया हुआ है तो। सेट है काफ़ी अच्छा, डिज़ाइन है कुछ इस तरह का, दोनों को एक साथ मिला के देखें तो यहाँ पर दोनों सेट कुछ इस तरह के हैं जहाँ पर 5.5 इंच से थोड़ा बड़ा डिस्प्ले आपको इस एयरटेल A42 में आपको देखने को मिलेगा। बैक साइड कुछ इस तरह का लुक है, दोनों सेट हो चुके हैं ऑन तो दोनों के डिस्प्ले कुछ इस तरह के हैं यहाँ पर, जहाँ एयरटेल की डिस्प्ले भी अच्छी लग रही है और यहाँ पर सैमसंग की भी अच्छी लग रही है। सैमसंग के आइकन देखें तो यहाँ पर सैमसंग के आइकन कुछ इस तरह के हैं, यहाँ देख सकते हैं दोनों के आइकन। और आप नजर डालते हैं आप कैमरा पर, दोनों के कैमरे देखते हैं किस तरह के कैमरे हैं, तो करते हैं दोनों के कैमरा ऑन तो यहाँ पर कैमरे हैं कुछ इस तरह के, जहाँ पर एयरटेल का 13 मेगापिक्सल का कैमरा कुछ इस तरह का और यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी G4 का कुछ इस तरह का। फ्लैश लाइट को बंद कर देते हैं जिससे हमें और साफ दिखे, तो आप देख सकते हैं दोनों कैमरे में क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ पर एयरटेल S42 और अब देखें तो यहाँ पर दोनों के कैमरे काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। फ्रंट कैमरे देखें तो दोनों के यहाँ पर एयरटेल का काफ़ी अच्छा कैमरा यहाँ पर लग रहा है सैमसंग के मुकाबले। यहाँ पर आप भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर यहाँ पर एयरटेल दे रहा है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोनों सेटों में आपको कौन सा सेट अच्छा लगा, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सेट का रिस्पॉन्स कैसा है, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं, जिससे औरों को भी मदद मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।